नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें। जैसा कि दोस्तों मार्च के महीने में 31 तारीख को लगभग लगभग सभी का स्कॉलरशिप का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप अपना स्टेटस चेक करेंगे। अभी तक आप अपना स्टेटस नहीं चेक कर पाए हैं, अपना स्कॉलरशिप नहीं चेक कर पाए हैं कि आया कि नहीं आया, तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जो है अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से। और अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा कि आपका स्कॉलरशिप आने लगे। तो दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे कि मैंने इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप वहां से जाकर के इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट, तो आपको सिंपली स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो मोबाइल में इस कॉर्नर में आपको थ्री लाइंस मिल जाएगी, तो आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होगा फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो आप अगर फ्रेश ऑनलाइन करवाए हो या रिन्यूअल ऑनलाइन करवाए हो तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। और आप अगर कक्षा 9 और कक्षा 10 का चेक करना चाहते हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। और अगर आप कक्षा 11 कक्षा 12 का चेक करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। और अगर आप बीए बीएससी का चेक करना है या आईटीआई का चेक करना है तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन के लिए कुछ इस तरह का अगला ऑप्शन शो होकर आ जाएगा। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद में आपको अपना वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी पासवर्ड होगा, आप जो भी पासवर्ड अपना बनाए होंगे आपको वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। और मान लीजिए आप किसी साइबर कैफे पे या जनसेवा केंद्र पे ऑनलाइन कराए हैं और आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं जो है पासवर्ड कैसे पता किया जाता है उसके लिए पर्सनली वीडियो बना चुका हूँ। हमारे वीडियो के आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आप यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड किस तरह से रिसेट करें, किस तरह से जो है आपको फॉरगेट करना है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद में आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो भी कैप्चर कोड शो हो रहा हो आप उसी कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करके सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपका पूरा डिटेल वगैरह यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका स्कूल का नाम यहाँ पर पूरा शो होके आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा टिक लग चुका होगा। और उसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चेक करंट स्टेटस, तो आपको सिंपली चेक करंट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस जो है आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टेटस हो के आ चुका है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटेड लिख के आ रहा है और फाइनल कम्प्लीटेड लिख के आ रहा है। और यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट लेवल पे फॉरवर्ड लिख के आ रहा है। और बैंक भी यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया है। और लास्ट में यहाँ पर आपसे मिल जाएगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और दोस्तों अगर आपका स्कॉलरशिप आ गया होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी का ऑप्शन शो होकर आ जाएगा कि वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पर वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। और यहाँ पर डेट वगैरह यहाँ पर पूरा लिख के आ जाएगा कि किस तारीख में जो है स्कॉलरशिप कमेटी जो है फॉरवर्ड किया है, किस तारीख को जो है आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है, यहाँ पर पूरा डेट वगैरह शो होकर आ जाएगा। और कुछ लोगों का यहाँ पर जो है पैसा भी शो होकर आ रहा है कि कितना पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। कुछ लोगों का यहाँ पर पैसा भी शो होकर आ जा रहा है कि 3,000, 4,000, 10,000, 18,000 जो भी आ रहा है यहाँ पर पैसा भी शो होकर आ रहा है। और कुछ लोगों का जो है यहाँ पर पैसा नहीं शो होकर आ रहा है। मैं आपको मैसेज में दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आपको मैसेज भेजा जा रहा है कि आपका स्कॉलरशिप अगर आ जा रहा है तो आपके मोबाइल नंबर पर ही आपका मैसेज आ जा रहा है कि इतना जो है आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा की जो है यहाँ पर भेज दिया गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल में शो होके आ गया है कि कितना पैसा आपके खाते में गया है और कब गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल शो होके आ जाएगा, आपके मोबाइल में ही आपका मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आया कि नहीं आया और क्यों नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो अब आपको क्या करना होगा, अपने स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसा कि आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जब आप यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आप देखेंगे तो लिखा होगा समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तत्काल अपने
संचालित बैंक में जा करके आधार सीडिंग करा लें। अगर आप अभी तक अपने बैंक में अपना आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवाया है तो आपको सेवरली आधार कार्ड को सीडिंग करवा लीजिएगा अपने बैंक में जा करके, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। आप लास्ट में यही गलती कर देते हैं कि अपने बैंक में जो है अपना आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवाते हैं, तो इसलिए जो है आपका पैसा स्कॉलरशिप का नहीं आ पाता है। कितने लोगों का जो है पैसा नहीं आ रहा है, यही दिक्कतें बता रहा है बार बार। तो आप ये जरूर समस्या अपने बैंक में जाकर के बता के जो है अपना आधार सीडिंग करवा लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस पैसा कैसे चेक किया जाता है, कि पैसा आया कि नहीं आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जरूर रिप्लाई दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।